वेलकम बैक टू माय चैनल सी टेक फर्नीचर। सो गाइज, आज हम लाए एक नया यूनिक वीडियो जो कि हमारे सभी नए कारपेंटर भाई के लिए बहुत ही काम की वीडियो है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक करेली कैसे कटिंग की जाती है और इसके लिए कौन सा ब्लेड यूज करना चाहिए, और कटिंग करने टाइम में हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आइए, मिलते हैं हम अपने साइड पे। हेलो गाइस, आज आपके लिए लाए हैं एक्रेलिक काटने का सबसे बेटर तरीका, जिससे कभी एक्रेलिक में डेंट नहीं हो। जैसे डेंट का मतलब ये होता है जब कटर ब्लेड की मदद से हम जब कटिंग करते हैं, जैसे ये हमारा ब्लेड है, इससे जब हम कटिंग करते हैं तो होता ये है कि यहाँ पे जो कोरे हैं वो टूट जाती है, जिससे हमारा एक्रेलिक फ्रेश कटिंग नहीं होता है और हमारा एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है रंधा मारने का। तो वो काम हमें नहीं करना है। हम एक्रेलिक काटने का एक दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो जो जानते हैं उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे जो नए कारपेंटर भाई हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो है। कुछ इस तरह से ब्लेड आती है मार्केट में, 250 रुपये का आएगी। इस ब्लेड के बारे में एक और वीडियो भी बना चुका हूँ, तो मैं इस ब्लेड से दोबारा दूसरा काम जो कौन सा करने वाला होता है वो बता रहा हूँ आपको। ये हमारी एक्रेलिक है, जब भी एक्रेलिक कटिंग करें तो ये हमारे पीछे का हिस्सा है जिधर कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। जो हमारा ऊपर का हिस्सा होता है इधर कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा होता है, कंपनी का नाम, उसका ब्रांडेड नाम होता है। तो कभी एक्रेलिक काटे तो उल्टा करके नहीं कटिंग करें, नहीं तो ये डेंट इधर से आएगा। ये उल्टा ही होता है इसका हिसाब किताब। जब भी कटिंग करें तो आपको ये मार्किंग जो नंबर लिखा हुआ प्रिंट, ये हमेशा ऊपर की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद जो भी आपको कटिंग करना हो, मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ आपको। तो ये अपने आपकी ज़मीन से कितनी उठी हुई है उसके हिसाब से आप ब्लेड को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया है तो मैं अभी कटिंग करता हूँ। जब भी आप मशीन चलाएं बिल्कुल धीरे धीरे चलाएं, नहीं तो क्या होगा, एक्रेलिक जो एक स्ट्रेट नहीं कटिंग होगी, कुछ बीच में लहरें ऐसी आ जाएगी। और थोड़ा सा आपको सावधानी और ध्यान दें, कभी भी इसको आप प्लाई या लकड़ी पर टच नहीं करें, नहीं तो इसका शार्प जा सकता है, धार चला जाएगा तो फिर ये ब्लेड ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और मशीन को धीरे धीरे, पहले मशीन को स्टार्ट करें फिर धीरे 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 धीरे। देखिए मैंने धीरे धीरे इसको कटिंग किया है। अब मैं आपको पेपर रिमूव करके दिखाता हूँ कि इसमें बिल्कुल डेंट नहीं हुआ। अभी आप देख सकते हैं कि इधर से भी बिल्कुल डेंट नहीं है, बिल्कुल शार्प कटिंग हुआ है, देख रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने एक्रेलिक का काम कर सकते हैं इस ब्लेड की मदद से। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। आप इस तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारी मदद कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।